श्री शेर सिंह गुबाया। सर मैं मेरे पार्लीमेंट हलका फिरोजपुर च एक प्रोजेक्ट 8-10 साल पहला पास हुआ सी हरी के तो फाइल का डिफेंस रोड। सर 10 साल देख रहे हैं कि वह अजे तक चालू नहीं हो सकिया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता कि वो जो डिफेंस रोड है जितों अमृतसर तो सारा जो कणक चौल का जो कांडला तक 1500 किलोमीटर का रास्ता जो इस रोड पे चलते हैं और इतना ट्रैफिक है कि बहुत ही माड़ी हालत होती है जब, तो इसका उसका कब तक वो जो है रोड बन जाएगा ये मैं जानना चाहता हूँ। सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो बता रहे हैं मेरी जानकारी से वो रोड नेशनल हाईवे नहीं है, वो स्टेट हाईवे है, फिर भी वो बता रहे हैं। मैं अभी मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं उसको जांच करूंगा। अगर हमारा रोड होगा तो उसके ऊपर उनके साथ चर्चा करके जो भी आवश्यक है वो उपाय योजना की जाए। श्री कल्याण बनर्जी, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द चांस। सर I am grateful that you have commenced the work in the Shaktigarh Highway, that's NH2. At the request I earlier made, you have commenced it long 3 years back. I'm not in the Dankuni, at the Dankuni. The overbridges are being done, flyover, etc. Especially at Maithipada, which is the gateway of the Calcutta. This overbridge is being constructed for long days, long months, months after months, and thereby there is a great traffic problem, great. And as you know, the ring road has also have been destroyed. I just request you in the form of this that you have done, I really, you are doing it, kindly expedite the matter and when can it can be finished. Okay, that's the matter, the thing I want to know. You are such an, I was thinking that whether you will be here or not. We were missing you in the last week. Greatly missing. Okay. Honorable Speaker Mahoday, last week में मैं ईरान, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था इसलिए नहीं था उसमें, वहाँ के प्रेसिडेंट के ओप सेरेमनी के लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर कि ये this subject is only related with the ring road of Anantapur in Andhra Pradesh. But Honorable Banerjee asking me about the road in West Bengal. My request to him, I don't have the details about that project. After this question hour, my time is restricted for only member of parliament. I am in my office and officers are there. Please come. I will try to resolve your issue and I will find out the option. Srimati D. Purandeshwari. It is not this question, sir. I wanted to ask for the question number one. क्या आपका नाम दिया था? नहीं, श्री रंग अप्पा बढ़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में NH4 से लेकर देवरोड, रावेत, आगे चांदनी चौक, आगे कोल्हापुर तक जाने वाला बाईपास सड़क बनाई थी, जो बनाई थी रिलायंस कंपनी ने। अभी वहाँ सड़क की इतनी हालत हो गई बारिश में, बहुत सारे गड्ढे पड़े, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पुराने प्रस्ताव को टर्मिनेट कर नया प्रस्ताव आपके मंत्रालय द्वारा ले जा रहे हैं? स्पीकर सर, सम्माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वो बात सही है। ये जो पुणे सातारा और वेस्टर्ली बाईपास को लेकर इनकी मतदार क्षेत्र में जो रोड जाता है वो रिलायंस कंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। इस बरसात में हालत बहुत ख़राब हुई है। कानूनन इस रोड पर काफ़ी तकलीफें अनेक सालों से आई है। बहुत बार इंटरवेंट करके मार्ग निकालने की कोशिश की पर नहीं हो पाया है। पर आप जैसा कह रहे इस रोड को विन विन सिचुएशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि हमने कुछ किया टर्मिनेट, वो कोर्ट में गए, फिर स्टे मिल गया तो प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको टर्मिनेट करें और नया DPR बनाकर इस रोड पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है
उसको सुलझाने की कोशिश करें. वी आर इन द प्रोसेस, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू. श्री शेर सिंह गुबाया. सर मैं मेरे पार्लियामेंट हल्का फिरोजपुर च एक प्रोजेक्ट 8-10 साल पहला पास हुआ सी, हरी के तो फाइल का डिफेंस रोड. सर 10 साल हम देख रहे हैं कि वो अजे तक चालू नहीं हो सकया. मैं मंत्री जी से जानना चाहता कि वो जो डिफेंस रोड है जितों अमृतसर तो सारा जो कणक चौल का जो कांडला तक 1500 किलोमीटर का रास्ता जो इस रोड पे चलते हैं और इतना ट्रैफिक है कि बहुत ही माड़ी हालत होती है जब, तो इसका उसका कब तक वो जो है रोड बन जाएगा ये मैं जानना चाहता हूँ. सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो बता रहे हैं मेरी जानकारी से वो रोड नेशनल हाईवे नहीं है, वो स्टेट हाईवे है. फिर भी वो बता रहे हैं, मैं अभी मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं उसको जांच करूंगा. अगर हमारा रोड होगा तो उसके ऊपर उनके साथ चर्चा करके जो भी आवश्यक है वो उपाय योजना की जाएगी.